हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके पास कल की बात आज, यानी कि किंग रिसर्च ईगल आई व्यू, यानी कि हम एडवांस में जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो, खुद देख लीजिए गाइस, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एपिसोड नंबर 30, यानी कि 8 तारीख की, 8 मई की बात करूंगा। आज डेट है 7 मई। एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स टुडे होल डे शोइंग स्ट्रेंथ ऑन 9130 9170। आपने नोटिस किया होगा, मैंने टेलीग्राम में क्लियर कट वहां पे लाइव टिप्स देता हूं। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे, प्लीज इमीडिएट बेसिस पे टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप कुछ मिस कर रहे हो। यस, मार्क माय वर्ड, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग यू कैन सी वंस ब्रेक 9130 विल सी बिग पैनिक अप टू 8970 8927। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लेना बड़ा बड़ा अक्षर में मेरे भाई। नोट, बिलो 8870 ब्लड बाथ विल स्टार्ट ओनली, पता नहीं कहां तक जाएगा। ओके, ओनली लॉयल हार्ट ट्रेडर कैन थिंक अबाउट फॉर द बाइंग साइड नियर 9180 9160, यानी कि ये 9180 60 के आसपास बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 30-40 पॉइंट का, 9130 का। अगर ऊपर का लेवल टूटता है थ्रो, 9180 का लेवल ऊपर का ब्रेक करेगा, देन ओनली यू गो फॉर द बाई, अदरवाइज डोंट डेयर टू बाई इन दिस निफ्टी, बिकॉज मैं कुछ बड़ा धमाका नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, यस, फ्यू बैंक्स, कुछ बैंक में स्ट्रेंथ दिखी आज मेरे को, कुछ वॉल्यूम भी दिखा, कुछ बिग शार्क प्लेयर्स भी मार्केट के अंदर बैठे हुए थे। बाई बैंक निफ्टी नियर 19,030 18,870 विद स्टॉप लॉस 18,580। मार्क माई वर्ड, अपसाइड हर्डल 19,870 20,147। इस लेवल पे आए तो क्या करने का, प्रॉफिट बुक करने का अगर बाइंग में हो, और एल्स अगर बाइंग में नहीं हो तो इस लेवल पे आए तो ठोको। चलिए, पहला स्टॉक सिलेक्शन एशियन पेंट का, बाय क्राइंग बेबीज के लिए, माय ट्रॉलर्स के लिए। इन प्रीवियस एपिसोड आई क्लियरली मेंशन दैट फॉर स्विंग लवर्स ऑन डिमांड, टू स्टॉक्स फॉर स्विंग लवर्स, एशियन पेंट उसमें से एक था। रिजल्ट क्या दिया था एशियन पेंट, बाय नियर 15,055 1,558 की स्टॉप लॉस 1570 एंड होल्ड इट फॉर 2 to 3 days अपसाइड मूव, राइट? हैव यू सीन और नॉट क्राइंग बेबीज, व्हाट हैपेंड टुडे, मेड अ लो 1545। ध्यान से देखना भाई, अगर आज का देखना चाहते हो तो कैश के लेवल देता हूं मैं। 1545 का लो बनाया, वहीं से यू टर्न बना 1605 का। नाउ अबव 1630 इट विल जूम टू किस 1670 1710 विद स्टॉप लॉस 1580। भाई हमेशा याद रखना, किंग रिसर्च हमेशा बड़े टारगेट्स की बात करता है, दूसरों की तो नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स के नहीं। 1 रुपए 2 रुपए आए तो हाँ चिल्लाना चालू कर देता है, नोटिस कर लेना मेरा टारगेट 1-2 रुपए मैं ऐसे ही दे देता हूँ मार्केट को चढ़ावा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ गॉड, राइट? गॉड को तो भाई चढ़ावा तो लगेगा। अमर राजा बैठे, पहला स्टॉक सिलेक्शन बिलो 551 ओनली पैनिक हडल 556 559 विल पैनिक स्लाइड अप टू 517 504। सिप्ला, यस, लास्ट होप फॉर ट्रेंड 589 वंस ब्रेक देन बिग वर्टिकल फॉल विल कम अप टू 572 567 कीप स्टॉप लॉस 601। डॉक्टर रेड्डी, तीसरा पावरफुल स्टॉक, यस, माई लवली डार्लिंग स्टॉक, यस, 3800 बिलो दिस लेवल, वेरी बिग पैनिक ऑन दिस कार्ड। जो ऊपर का हडल है 3856 3887 इसके आसपास है, नो प्रॉब्लम, ओनली ठोकने का सोचो। इसके ऊपर आएगा तो ही तेजी का सोचेंगे, लेकिन 3800 के नीचे बिंदास ठोको टारगेट 3630 3590। नो चिंदी टारगेट, कुछ बड़ा सोचोगे तभी बड़ा मिलेगा। एनआईटी टेक, यस, एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली थिंक फॉर बाई अराउंड 1300 and 1290 विद स्टॉप लॉस 1270 एंड गो लॉन्ग। अपसाइड विल जूम टू किस 1470 1530। महिंद्रा एंड महिंद्रा, माई लक्ष्मण रेखा 417 421, यस, अपसाइड गो, हल्का सा ऊपर आएगा, सिर्फ आप ठोकने का सोचो। समथिंग कुकिंग वेरी बिग, मेल्ट लाइक अ आइसक्रीम, वर्टिकल फॉल आई विल शो यू इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
कोटेक बैंक, अगेन मैं स्विंग लवर्स के लिए कुछ लेके आया हूँ भाई। ये दो स्टॉक्स कोटेक बैंक एंड डाबर स्विंग लवर्स के लिए, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए जो रिवर्सल स्विंग की बात करते हो, जो मैं अपनी क्लास में भी सिखाता हूँ, ये स्विंग की बात करता हूँ वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। कोटेक बैंक बाई नियर 1173, 1160, ध्यान से लेवल नोट कर लेना, फिर आप बोलोगे नहीं समझ में आया तो फिर चिल्लाते हो। विद स्टॉप लॉस 1150 एंड गो लॉन्ग। डाबर लास्ट क्लोज 442.60, बाई अराउंड 330 या 335 एंड होल्ड विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 432। ये रूल्स है मेरे भाई, ऑलवेज वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, देन ओनली गो फॉर द ट्रेड। यानी कि पहला 5 मिनट अगर सेल दे रहा हूं तो रेड का वेट करो, रेड पहला 5 मिनट का, उसके नीचे सेल करने का सोचो। अगर पहला कैंडल ग्रीन है और अगर मैं बाई करने का कुछ दे रहा हूँ, पहला कैंडल ग्रीन है तो सिर्फ बाई करने का तभी सोचेंगे, उससे पहले जल्दी में बाजी में कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। व्हेन अगेन प्राइस क्रॉस हाई और लो, देन ओनली यू कैन गो फॉर द ट्रेड, यू कैन गो फॉर द बाई एंड सेल सेटअप एंड मेंटेन टाइट स्टॉप लॉस ऑफ मैक्स टू मैक्स 2%। अगर मैंने किसी में स्टॉप लॉस नहीं दिया तो 2% से ज्यादा का एसएल नहीं लगाने का भाई, थंब रूल है ये किंग रिसर्च का। मैं कोई भी ट्रेड, कोई भी एक्स वाई जेड, 1.5 से 2% से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता भाई। रिस्क पे स्टॉक मार्केट में कहते हो ना, भगवान हे भगवान बचा ले, मेरे भाई भगवान सिर्फ स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस को अपने साथ रखोगे हमेशा, आप लॉन्ग टर्म के रेस के घोड़े बनोगे। स्टॉप लॉस के साथ खिलवाड़ करोगे, भगवान अगर नाराज हुए कपड़े उतार के लेके जाएंगे, राइट। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिली होगी। यस, कमेंट सेक्शन में मैं देख सकता हूँ गाइस, अगर हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे कि मुझे समझ में आए कि कंटिन्यू करना है वीडियोस को। बहुत मेहनत लगती है गाइस, ऐसे नहीं कि रैंडमली उठा और उठ के जस्ट स्टॉक सिलेक्शन कर दिया आप लोगों के लिए और हो गया, ऐसे नहीं होता है, मेहनत लगती है आप लोगों को कुछ देने के लिए। 45,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में है और मेरे टेलीग्राम में मोर देन 19,000 सब्सक्राइबर्स है गाइस, तो मैं आप लोग को इतनी ख़राब तरीके से नहीं देने वाला। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। ये मेरा खुद से कमिटमेंट रहता है कि यार कुछ अच्छा दे सकूँ, मेरे छोटे भाई लोग जो हैं पैसा कमा सके, किसी स्टॉक टिप्स वाले को पैसे देने जरूरत पड़े, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अच्छा, इंपॉर्टेंट सूचना गाइस, आपके सामने देखो एक ब्राउचर है, लर्न हाउ टू कैच मल्टी बैगर स्टॉक्स। ये मल्टी बैगर वो नहीं जो दूसरे यूट्यूबर्स बताते हैं, ओपन चैलेंज के साथ बता रहा हूँ मैं। जो 23 मई को 11 बजे से 1 बजे 2 घंटे का सेशन है, दिस इज आई विल टॉक अबाउट, मेरा एक बहुत बड़ा सेटअप है जिसके बेसिस पे मैंने आपको भी दिखाया, कुछ 4 लाख का मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, इसी बेस पे मैंने बना के रखा है। 1 महीने बाद आपको भी चैलेंज दिया कि बॉस 1 महीने बाद मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर करी है एक निफ्टी चक्रव्यूह के नाम से, उसमें आप चेक कर लीजिएगा जिसने नहीं चेक किया है। गाइस बिलीव मी, एक तरह से मान के चलो ये मैं चैरिटी कर रहा हूँ, 2500 उसमें कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट में। आप लोग लाखों रुपए दे देते हो, फालतू के लोगों को फॉलो करते हो जो सिर्फ न्यूज़ बेस पे चला रहे हैं। लोग बोलते हैं FIs में ये हुआ, अरे भाई हमें क्या करना है, ट्रेड का बताओ भाई, ट्रेड किस पे करना है, सिंपल सी बात है। न्यूज़ तो आप टीवी पे देख लो ना, दुनिया भर की ये हो गया भाई, उससे पैसा नहीं बनता है, उससे आपके माइंड में इमोशंस भरा जाता है, उससे आपके माइंड में कचरा भरा जाता है। आपके माइंड में इमोशंस भरा, हो गया काम, आप काम कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर इमोशन आ गया कि ये अच्छा स्टॉक है तो भाई आप सिर्फ बाई का सोचोगे, हो सकता है आपको चिपकाया जा रहा है, ऑपरेटर अपना माल आपको चिपका रहे हैं महंगे दाम पे, बट आप बाई सोचोगे। खराब न्यूज है तो आप सिर्फ सेल का सोचोगे, भाई ऐसे नहीं होता है। जो न्यूज फ्लैश करती है पूरी दुनिया को पता है, आपको अलग क्या पता है न्यूज के अलावा। इंपॉर्टेंट इज ट्रिक सीखो, ट्रिक। मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स में ऐसी एक ट्रिक देने वाला हूं, अगेन मनी फुल बैक, मनी मनी गारंटी, मतलब मनी रिफंड हो जाएगा आपका अगर मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, मनी विल बी रिफंडेड। स्टॉक आप बताओगे एंड आई विल शो यू द लॉजिक। मैं अपनी स्ट्रैटेजी दूंगा 23 तारीख को, स्ट्रैटेजी देने के बाद पोजिशनल ना बूस्ट बम दिया 20 तारीख को, मेरे को बोल देना सर पैसे रिफंड ले जाना, बात खत्म। सर डालने को ये यूट्यूब में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा भाई हमारे को बोला सर आप इंट्राडे स्विंग बता रहे हो लेकिन कुछ पोजीशन नहीं बता रहे हो, अभी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अच्छा खासा गिरा पड़ा है, सब लोग चिल्लाएंगे यूट्यूब में ये बाई कर लो ऐसा हो जाएगा, ये बाई कर लो ऐसा हो जाएगा। भाई साहब अगर मैं बात करूँगा, मैं उन स्टॉक्स को बाई कराऊंगा जिसमें मिनिमम
300 से 500% का रिटर्न होगा, नो ब्ला ब्ला ब्ला। 23 तारीख को लाइव चार्ट में दिखाऊंगा आया है कि नहीं आया है। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा वो स्ट्रेटेजी आप बैक टेस्ट कर लेना और बता देना कि स्टॉक में नहीं आया है। 300 से 500% की बात कर रहा हूँ विद इन 5 ईयर्स के अंदर। जो आप FD करते हो 6% में खुश हो जाते हो, मैं यहाँ पे गाइस बिलीव मी, इसको हल्के में मत लेना, इसलिए लेके आया हूँ जस्ट दूसरे के ट्रैप से आपको बचाया जा सके, दूसरों के गलत स्टॉक्स में आपको बताया निकाला जा सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्ट्रैटेजी में, इस मल्टी बैगर स्टॉक कैसे, पोर्टफोलियो को, बड़ा पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है, इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको प्रॉपर एग्जिट प्लान दूंगा। नो बडी विल टीच यू द एग्जिट प्लान, बट आई एम गोना टीच यू द एग्जिट प्लान। निकाल लेना कोई भी यूट्यूबर और कोई भी किताब, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई निकाल के बता देना सर, मेरे से फ्री में ले लेना सर्विस, फ्री में क्लास में समझा दूंगा आपको, फ्री में मेरे से और स्ट्रैटेजी ले लेना, आई एम रेडी टू गिव। बट अगेन बोल रहा हूं, सब आपको एंट्री तो करा देंगे, थोड़ा बहुत चढ़ गया चिल्लाना भी चालू कर देंगे, बट मैं थोड़ा बहुत से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 100 सोनार के किंग रिसर्च के टैगलाइन लेके बैठा हूँ बॉस, और ऐसे नहीं हवा में, काम बोलता है, टेलीग्राम में रिजल्ट देख लेना, परफॉर्मेंस देख लेना मेरे भाई, सीधी बात, नो बकवास। मैं 300 से 500% की रिटर्न कर रहा हूँ, इससे नीचे मैं रिटर्न नहीं मानता उसको। अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उस तरह के स्टॉक को, सिर्फ और सिर्फ यही चीज, लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स कचरा स्टॉक्स भी पकड़ाएंगे, कुछ भी बोल के पकड़ाएंगे 10-15-20-30-40% के रिटर्न के लिए, ROI के लिए। और एग्जिट प्लान नोबडी नोज, आई विल टेल यू हाउ टू एग्जिट एट प्रॉपर। यस मैन, क्या हुआ, कचरा बन गया, बट अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं कि ये देखो एग्जिट प्लान हमारा था, जो मैं स्ट्रेटेजी दूंगा उसी के बेस पे एग्जिट प्लान आया, मानोगे कि नहीं मानोगे? PNB मानोगे कि नहीं मानोगे भाई, प्रॉपर हमारे सेटअप में एग्जिट प्लान आया, बोला है उसने चार्ट, कहता हूँ ना चार्ट चीख चीख के बोलता है, बस आप सीखने वाले बनो, सीखोगे तो ही समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ज्ञान लास्ट का हो गया, इंपॉर्टेंट ये भाई, जो मुझे समझ रहा है प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये मैं फ्री में नहीं देता, ये मेरा बहुत पावरफुल है, इसलिए थोड़ा सा आपसे चार्ज दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, 2500 रुपीज ओनली फॉर फर्स्ट अर्ली बर्ड ऑफर में, फर्स्ट जो स्टार्टिंग के बंदे आएंगे सिर्फ उनके लिए, उसके बाद नो सीट्स अवेलेबल। और ये मैं बार बार नहीं निकालूंगा भाई, दिस इज सीक्रेट मंत्रा, और मेहनत सालों की लगती है सर, आज से नहीं, 3-4 साल से मैं इस पोर्टफोलियो अपनी बना रहा हूँ और इसी बेसिस पे निकालता हूँ मल्टी चीज़ों को, मल्टी मल्टी बैगर बनाता हूँ, रिजल्ट आपके सामने। ऐसे ही नहीं कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं, लॉजिक है कुछ, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा ये एपिसोड समझ में आया ठोको लाइक, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। यस, थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ भाई, क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, सिंपल सी बात बताऊँ, मार्केट में साइकोलॉजी से पैसा बनता है। और मैं अपनी जो 10 जून की क्लास है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए मेरे भाई, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, 10 मई के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, सॉरी गाइस, सीट्स आर फुल, हाउस फुल हो चुका है, देर इज नो वैकेंसी ऑलरेडी, जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी दिया है, देर इज नो वैकेंसी, तो प्लीज मई के लिए मुझे कॉल मत करेगा। अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं कल से जून बैच के लिए, ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज 10 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा स्टॉक्स आपका विद पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन के साथ, एक दिन पहले आपको स्टॉक मिलता है, ORB स्ट्रैटेजी सेम डे विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपको स्टॉक सिलेक्शन मिलता है। मेरी खासियत हर स्ट्रैटेजी के अंदर यही है, पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। लोग चलने के बाद चिल्लाते हैं, हम चलने के बाद नहीं, पहले स्टॉक सिलेक्शन आ जाता है, उनमें से क्या चलता है वो चिल्लाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान से समझना। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई कि मैं फालतू का इधर उधर का वीडियो बना पाए, आई एम नॉट अ यूट्यूबर और मेरी कोई अर्निंग नहीं यूट्यूब से, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, राइट। तो अगर मेरी मेहनत समझ में आती है ठोको लाइक और कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों फायदा हो। और बहुत जल्दी जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैंग ऑन, आई एम गोना टू गिव यू ऑप्शंस प्रीमियम हंटिंग स्ट्रैटेजी, और देख लेना सर कैसी स्ट्रैटेजी होगी। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मम्मी डैडी का, खासकर मम्मी डैडी का बिल्कुल ध्यान रखिए सर। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।